सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी फ्री में। फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं बर्मा की। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया 1 को कैसे रीसेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चार्जिंग केबल को लगाना है और चार्जिंग केबल को लगाने के बाद ये लाइट आएगा और उसके बाद जब बंद होगा इसे हट जाने दीजिए। जब हट जाएगा तो हट गया तो इसके बाद आप पावर की प्लस वॉल्यूम ऑफ की को प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले वॉल्यूम की ऑफ की को प्रेस करता हूँ, फिर पावर की को प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद जैसे ही आएगा वैसे ही मैं छोड़ दूँगा और पावर ऑफ की को प्रेस किए रहूँगा। देखिए आ गया। उसके बाद आपको पावर की वॉल्यूम ऑफ की दोनों को एक साथ दबाना है। दबाने के बाद आपको वाइप डाटा रिकवरी डाटा फैक्ट्री सेट है उस पर जाना है और पावर की को प्रेस कर देना है। नीचे आना है और यस पर क्लिक कर देना है पावर की से। इस बार पावर की को प्रेस कर देना है। हम चार्जिंग केबल निकाल सकते हैं। मेथड में आप अपना पैटर्न लॉक खोल सकते हैं। अगर रीसेट मारते हैं तो FRP लॉक लग जाता है, तो आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर खोल सकते हैं, समय लेता है। इसके बाद आपको लेट्स गो करना है, इसके बाद स्किप करना है और सेटअप है न्यू, इसके बाद वाईफाई कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आएगा तो डालकर आप ओपन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पाए।